आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को सीआरपीएफ और एम्स ब्लड सेंटर ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सीआरपीएफ के जवान और एम्स के डॉक्टर बाइक, साइकिल और पैदल हाथों में तिरंगा लेकर निकले। वहीं इस तिरंगा रैली को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ आईजी राजेश यादव, एमएसडी के शर्मा के साथ जवान और डॉक्टर की टीम बाइक और साइकिल पर तिरंगा हाथ में लेकर निकले। इस भव्य तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ के अधिकारी, जवान, एम्स के डॉक्टर और स्टाफ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। रैली में कुल सीआरपीएफ के 75 जवान शामिल हुए। जैसा सर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो उत्सव चल रहा है, तो उसमें अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, 75 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष में एम्स के साथ मिलके सीआरपीएफ की तरफ से आज का ये आयोजन, जिसमें हमारी तरफ से 75 लोग जो हैं वो साइकिल चला रहे हैं, और इसी के साथ में कल एक ब्लड कैंप हमारे यहाँ पे होगा, जिसमें सीआरपीएफ की तरफ से हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। करीब 300 से अधिक एम्स का स्टाफ शामिल हुआ। बता दें कि एम्स अस्पताल का ब्लड सेंटर और सीआरपीएफ ने मिलकर इस रैली को आयोजित किया है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान भी रैली में शामिल हुए तिरंगा यात्रा में। और यह रैली सुबह एम्स हॉस्पिटल से आईएनए होते हुए लोधी रोड से वापस एम्स हॉस्पिटल पहुंचेगी। वहीं दूसरे दिन सीआरपीएफ के 75 जवान एम्स ब्लड सेंटर में ब्लड भी डोनेट करेंगे। तो आजादी के अमृत महोत्सव पे हम अपनी आजादी के 75वें साल मना रहे हैं, उसके तहत एम्स एक हर घर तिरंगा की रैली निकाल रहा है आज। साथ में हम हमारा जो ब्लड सेंटर है वो पूरे साल ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहा है, उसी के कंटिन्यूटी में सीआरपीएफ के साथ आज हमारे आईजी साहब भी हैं, उनके साथ हम ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं। एम्स का टारगेट है कि इस साल हम 75-75 यानी कि 75-75 जो ब्लड डोनेशन है वो पूरे साल में करेंगे। इस पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है और 15 अगस्त भी नजदीक है। ऐसे में भारत सरकार का जो अभियान हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है, उसमें एम्स भी सहभागिता निभा रहा है। आज सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर एम्स ब्लड सेंटर की तरफ से तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहा है। सभी को इसकी काफी खुशी है, सभी के चेहरों पर रौनक है। देश का प्रतीक हमारा झंडा, जो हमें सबसे प्यारा है, उसे हाथों में लेकर पैदल मार्च और साइकिल और बाइक्स पर रैली आज एम्स अस्पताल से आईएनए से लोधी रोड होते हुए वापस एम्स जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया है। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम और हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इसके तहत लोगों को अपने घरों में ध्वज फहराने के लिए जागरूक करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से भी यह तिरंगा यात्रा अहम मानी जा रही है।